हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे और इस ठंड का, जो बिल्कुल ही थरथराने वाली ठंड है, इसका एंजॉय कर रहे होंगे। हाजिर है हम एक नई वीडियो लेके। आज की वीडियो है हमारी एएमसी के ऊपर। पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी सर्विसिंग के लिए, मैंने आपको कहा था कि एएमसी के ऊपर भी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार एएमसी का क्या सीन है, क्योंकि काफी लोग जैसे कि जिन्होंने पिछले साल जिनकी बाइक को 1 साल हो चुका है, अब उनकी जो कंपनी की तरफ से 3 या 4 सर्विसेज जो फ्री मिलती थी वो खत्म होने जा रही हैं। अब इसके बाद जो है, अब आपकी जो पेड सर्विसिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। और इसके लिए देखिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी, उसके भी ऑफर अब आपको कंपनी देगी। कहेंगे कि एएमसी आप करवा लीजिए। अब यहाँ पे एएमसी के सबसे पहले प्रोसेस को समझिए कि जो लेबर चार्जेस, जो शुरू में जब आपने बाइक ली थी, जो 3 से 4 आपको सर्विसिंग फ्री दी थी, अब जो है एएमसी के ऊपर, एएमसी के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एएमसी लेने के बाद सब कुछ फ्री, मतलब एएमसी के लिए जो आपको पैसा देना पड़ेगा, हर एक कंपनी जैसे कि 1300 रुपये, 1400 रुपये आपका 1 साल के लिए पहले ही लेके रखेगी, बदले में आपको 4 सर्विसिंग जो फ्री देगी। फ्री मीन्स कि आपके लेबर चार्जेस जो हैं 400, 450 या 480 रुपये के करीब जो कंपनी रखे होते हैं कि लेबर चार्जेस 1 सर्विसिंग के आपके इतने लगेंगे, वो आपको फ्री मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई पार्ट अगर चेंज करवाते हैं, मान के चलिए डिस्क पैड, डिस्क वायर, आपकी एक्सेलेटर वायर, कोई भी पार्ट आप एक्स्ट्रा से सर्विसिंग के अलावा कोई चेंज करवाते हैं, वो आपको लेबर चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। एएमसी भी हो या आपकी बाइक की पहली या दूसरी फ्री वाली सर्विसिंग होगी, उसके लिए लेबर चार्जेस देने ही पड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है दोस्तों कि एएमसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले तो एक बात ये है कि जैसे मान के चलिए आपके पास 3 महीने के अंदर आपके व्हीकल के, आपके टू व्हीलर का जो रनिंग है, आप 3000 के आसपास आप चल जाते हैं, 2500 या 3000 के बीच में आपका 3 महीने में इतनी रनिंग हो जाती है बाइक की, तो आपको जो है सालाना जो है आपकी 4 सर्विसिंग हो जाएगी। और कंपनी कहती है कि एएमसी के अंदर हम आपको 4 सर्विसिंग जो है वो फ्री दे देंगे। मीन्स कि अगर आपकी 3 महीने, अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मेरी है तो बाइक 3 महीने के अंदर 3000 किलोमीटर के आसपास चल जाती है, तो इसलिए मैंने एएमसी ली। उसमें आपके लेबर चार्जेस मींस कि अब 450 रुपये के हिसाब से 4 सर्विसिंग वो दे रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि 1800 रुपये के करीब आपकी सर्विसिंग जो है आपके लेबर चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन वो आपको 1300 या 1400, जैसे कि मेरी वाली वो 1400 रुपये के आसपास पड़ेगी, तो इसमें 400 रुपये जो है वो मेरे बच गए 1 साल के लिए, मतलब वो बच चुके हैं। और इसके बाद अब सवाल ये आता है कि किनको नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी रनिंग जो है डेली रनिंग नहीं है बाइक की, वो नॉर्मली ही चलाते हैं बाइक को, और उनका 3 महीने के अंदर 3000 किलोमीटर नहीं होते हैं, उनके 4 से 5 महीने के बाद, मतलब साल में 1 या 2 बार ही सर्विस करवाते हैं, तो उनको जो है एएमसी नहीं लेनी चाहिए। उनको फालतू में ये पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपकी जो नॉर्मल, जो अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आप एएमसी रहने दीजिए, आप नॉर्मली 450 रुपये पे कर दीजिए 2 सर्विसिंग के हिसाब से, तो आपका मतलब 900 या 1000 रुपये में आपका काम चल गया, तो आपके वैसे ही पैसे बच गए। और दूसरी बात, जिनने एएमसी ले रखी है, जिनके अब क्या होता है कि इंजन ऑयल वगैरह, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसके ऊपर भी आपको एएमसी लेने के बाद जो है डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट सर्विस जो करवाई थी उसके ऊपर, मतलब जो पार्ट्स जैसे कि इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर वगैरह जो मेरे चेंज हुए थे, उनके ऊपर भी आपको जो है कुछ परसेंट जो है डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन एएमसी सिर्फ उनको ही लेनी है दोस्तों, ये बात मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लेनी उनके लिए जिनकी जो रनिंग है वो ज्यादा है, और उनका 1 साल में 4 सर्विसिंग नॉर्मली हो ही जाएगी, तो आपको 400 से 500 रुपये का यहाँ पे फायदा हो जाएगा, पार्ट्स के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये कंफ्यूजन जो था एक एएमसी के ऊपर, ये आपका भी दूर हुआ होगा। और मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और एंजॉय द ठंड।